रेस्पिरेटरी डिजीजेस है, इसमें जो कॉमन ओपीडी में आपके पास पेशेंट्स आएंगे दे आर सफरिंग विद द एनल फिशर से हो सकते हैं, या पेशेंट को एनल फिस्टूला हो सकता है, या पेशेंट को पाइल्स की प्रॉब्लम होगी। तो पहले हमें ये डायग्नोज करना सीखना है कि पेशेंट को पाइल्स है, फिशर है या फिस्टूला है, देन वी कैन डू द प्रोक्टोस्कोपी और नेक्स्ट एग्जामिनेशन को हम कर सकते हैं। जब भी पेशेंट क्लिनिक पे अप्रोच करता है तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपको करने होते हैं पेशेंट से। पेशेंट को पेन कब हो रहा है, कंसिस्टेंसी ऑफ द पेन क्या है, मोशन करने के बाद पेन होता है, ब्लीडिंग आती है, मोशन के साथ मिक्स ब्लीडिंग आती है या मोशन के बाद ब्लीडिंग होती है। अगर पेशेंट कंप्लेन कर रहा है उसको पस डिस्चार्ज है, अगर मोशन उसको लगता है पेशेंट की कंप्लेंट है कि उसको पॉटी के रास्ते के पास कहीं से पस डिस्चार्ज हो रहा है तो दैट इज ए क्लियर कट केस ऑफ फिस्टुला। अगर पेशेंट कंप्लेंट करता है कि इसको मोशन करने के बाद पेन होता है, बहुत सीवियर पेन रहता है, फिर बर्निंग सेंसेशन रहती है, कटिंग टाइप ऑफ पेन रहती है, दैट इज ए क्लियर कट केस ऑफ फिशर। और अगर पेशेंट कंप्लेंट करता है उसको मोशन के साथ मिक्स होके ब्लड आ रहा है या मोशन के बाद ब्लड आ रहा है, सम टाइम पेन है और कई बार दर्द बिल्कुल नहीं होता पर ब्लीडिंग होती है, तो दैट इज ए क्लियर कट केस ऑफ पाइल्स। देन वी हैव टू मूव फर्दर, डिफरेंट टाइप ऑफ द पाइल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ द फिस्टुला एंड व्हाट वी कैन डू इन अ फिशर। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे व्हाट अबाउट द फिशर। फिशर क्या है? एनल फिशर जो है एक लाइनिंग होती है, ओवल शेप अल्सर एट द स्क्वेमस एपिथेलियल सेल, हमारी एनल के नाल के पास। जब आप पेशेंट को एग्जामिन करते हैं या पेशेंट की कंप्लेंट आती है ओपीडी में बहुत सीवियर पेन है मोशन करने के बाद, तो आप पेशेंट को एग्जामिनेशन टेबल पे लेके जाएंगे। यू कैन सी जैसे ही आप उसके एनल पार्ट को रिट्रैक्ट करेंगे विद द हेल्प, आपने उसको ऐसे रिट्रैक्ट करना है हैंड्स के साथ। जब भी आपके पास पेशेंट ओपीडी में आता है और पेशेंट की कंप्लेंट रहती है कि उसको मोशन करने के बाद पेन हो रहा है, तो आप उसको एग्जामिनेशन टेबल पे लेके जाते हैं। फर्स्ट यू हैव टू रिट्रैक्ट द स्किन, अपने ग्लव्स पहन के जस्ट रिट्रैक्ट की स्किन, आपको वहां पे क्लियर कट फिशर दिखेगा। मैक्सिमम फिशर जो रहता है दैट इज ऑन ए 6 o'clock पोजिशन पे, 6 o'clock पोजिशन पे आपको मैक्सिमम फिशर। This is the, you can just like imagine like that, कि this is the anal canal, this is a part of the anal canal. जब भी आप patient को examine करते हैं, should retract the skin first to examine the patient. You can see वहाँ पे आपको cut दिखेगा, अगर वो cut दिख रहा है तो that is a clear cut case of anal fissure. और ये distal to the dented line, anatomy का structure जब आप पढ़ेंगे anal canal का, you can get the idea about the dented line. जब भी फिशर हमें विजुअलाइज होता है ये जस्ट बिलो द डेंटेड लाइन के नीचे ही दिखता है। यूजली अकर इन बोथ सेक्स, मेल और फीमेल में फिशर किसी को भी हो सकता है, इसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं है, बट मैक्सिमम केस पोस्ट डिलीवरी केस में फीमेल्स में फिशर बहुत ज्यादा दिखता है। या इसका मेन कॉज ये है कि जब पेशेंट स्क्वैंट करते वक्त प्रेशर देता है मोशन पे, तभी उसको फिशर की प्रॉब्लम हो सकती है। टेंड टू अकर इन द यंगर एज। Now, what is the etiology behind the fissure? की क्या क्या etiology हो सकती है? First is a multifactorial, बहुत सारी problems हो सकती है जिसकी वजह से patient को fissure की problems हो सकती है। इसके लिए जब आप patient का examination करते हैं उसकी अष्टविधा और दशविधा परीक्षा जब हम करते हैं, अष्टविधा परीक्षा में हम उसका नाड़ी मल मूत्र जीवा अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा जब अष्टविधा परीक्षा की जाती है तो पेशेंट का मल हम उसकी कोस्ट को चेक करते हैं, उससे क्लियर कट हमें रिजल्ट मिल जाता है कि पेशेंट इज हैविंग ए, अगर उसका क्रूर कोस्ट है, हार्ड स्टूल हो रहे हैं या पेशेंट आईबीएस से की प्रॉब्लम है, तो बार बार रिपीटेड मोशन करने की वजह से वहां पे उसको फिशर डिवेलप हो रहा है। अब सेकेंड जो और प्रॉब्लम्स हो सकती है, एक्सेसिव स्टेनिंग, अगर किसी को हार्ड स्टूल है वो बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्टेनिंग कर रहा है उसकी वजह से भी उसको फिशर हो सकता है। कोई वनरेबल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, किसी को वनरेबल डिजीजेस हैं उसकी वजह से भी एनल फिशर हो सकता है, या एनल सेक्स की वजह से भी एनल फिशर जो है वो डिवेलप हो सकता है। अगर हम इसका नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं दैट इज द इंस्ट्रिक्टिव एंड इंस्ट्रिक्टेड एंड एनल स्फिंक्टर हाइपरट्रॉफी। इंट्रिक और स्फिंक्टर्स में जब भी हाइपरट्रॉफी हो जाती है या रिड्यूस प्रोडक्शन
रिलेटिव टिश्यू इस्चीमिया की वजह से भी डिवेलप हो सकता है. सो देयर इज ए डिफरेंट कैटेगराइज्ड जिससे हम पेशेंट को फिशर्स की प्रॉब्लम हो सकती है. कॉमन कॉज जो है आफ्टर डिलीवरी हार्ड स्टूल की वजह से जो लोग स्क्वैंड करते हैं वो बहुत ज्यादा प्रेशर देते हैं, उन लोगों को फिशर जो है वो डिवेलप हो जाता है. नाउ वी कैन कम विद द क्लासिफिकेशन ऑफ द फिशर. क्लासिफिकेशन में ड्यूरेशन ऑफ द सिम्टम्स देखेंगे. एक्यूट फिशर, अक्यूट कंडीशन हम उसको लेंगे जब सिम्टम्स हमारे अपियर हो रहे हैं विद इन द 6 वीक. पेशेंट कंप्लेंट करता है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा ओपीडी में पेन कौन से एरिया में हो रहा है, मोशन करने के बाद दर्द होता है या नहीं. अगर पेशेंट को मोशन करने के बाद दर्द हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन भी रह सकती है, और कितने टाइम से हो रहा है. अगर विद इन द 6 वीक्स के अंदर है तो उसको कैटेगराइज किया जाता है एक्यूट फिशर में, एक्यूट सिम्टम्स में. अगर 6 वीक से ज्यादा है तो वी कैन कंसिडर एज ए क्रॉनिक फिशर. और 6 वीक बट एग्जामिनेशन शो फीचर्स ऑफ क्रॉनिसिटी. कई बार होता है कि हमने पेशेंट को एग्जामिन किया और वो पेशेंट को पहले साइलेंट था, मतलब हल्का सा फीचर था, और अब उसको बहुत ज्यादा सीवियर पेन हो रहा है. सो उसको भी हम क्रॉनिक फीचर के अंडर ही कंसिडर करेंगे. बेस्ड अपॉन द मॉर्फोलॉजी ऑफ द फिशर को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं. सुपरफिशियली फिशर्स, जो सुपरफिशियल, जब एनल किनाल के बिल्कुल सुपरफिशियली फिशर होगा द 6 o'clock पोजीशन पे, 12 o'clock पे भी हो सकता है, पर मैक्सिमम जो दिखता है दैट इज ऑन ए 6 o'clock पोजीशन पे. सबसे पहले पेशेंट को सीवियर पेन रहेगा, सीवियर पेन प्लस ब्लीडिंग. पेशेंट को सीवियर पेन रहेगा और ब्लीडिंग रहेगी. सुपरफिशियली सेपरेट ऑफ द एनोडर्मल विद शार्प एज. जैसे आपके स्किन पे कहीं पे चोट लगने से या हमारे चाकू से कट जाने से ये कट लग जाता है. सिमिलर लाइक यू कैन सी माय हैंड, मेरे हाथ में एक चाकू से कट गया है, जैसे ये आपको दिस कट दिख रहा होगा. सिमिलर लाइक इसी तरह का कट आपको एनल वर्ज के पास दिखेगा. सिमिलर कट आपको एनल वर्ज के पास दिखेगा, दैट इज ए फिशर. जैसे सुपरफिशियली कट हमारे स्किन पे आता है, अगर सुपरफिशियली कट हमारी एनल वर्ज पे आ जाता है तो उस डिजीज को हम फिशर बोलते हैं. सुपरफिशियली सेपरेशन ऑफ द एंडोडर्म विद द शार्प एज बेस्ड अपॉन द फिशर डज नॉट रीच द इंटरनल एनल स्फिंक्टर. ये इंटरनल स्फिंक्टर तक रीच नहीं करता है, इट्स जस्ट बिलो द डेंटेड लाइन ही हमें फिशर दिखता है. कुछ फिशर जो है वो डीप फिशर्स होते हैं. अब डीप फिशर्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम. डीप फिशर जो होते हैं दैट इज विजुअलाइज फाइबर ऑफ द इंटरनल एनल स्फिंक्टर. इंटरनल एनल स्फिंक्टर्स के अंदर दिखेगा ये. मिनिमम ग्रैंडुलेशियस टिश्यूज एट द बेस रहेगा. वाइड पियर शेप्ड अल्सर, जब हम इसको एग्जामिन करेंगे तो यहाँ पे हमें पियर शेप एक अल्सर फॉर्मेशन दिखेंगी. अब जहां पे भी हमें फिशर दिखेगा देयर मे बी प्रेजेंस ऑफ द सैनिटियल टैग. देखिए कई बार इनिशियली लेवल में कंफ्यूज हो जाते हैं डॉक्टर्स कि सैनिटियल टैग और एक्सटर्नल पाइल्स के बीच में. एक्सटर्नल पाइल्स और सैनिटियल टैग दैट इज अ डिफरेंट थिंग्स. तो जहां पे भी हमें फिशर दिखेगा देयर इज अ डिस्टल टैग रहेगा, सैनिटियल टैग रहेगा. अब ट्राइडल टू द इंड्यूरल अल्सर एच द डिस्टल स्किन टैग एंड द प्रोक्सिमल हाइपरट्रॉफी एनल पैपिले. लेटर जो है ये कन्वर्ट कर जाता है डीप फिशर्स. लोकेशन अगर हम फिशर की चेक करते हैं तो पोस्टीरियरली मिड लाइन पे, जो आई टोल्ड यू पोस्टीरियरली मिड लाइन, दिस इज अ एनल वर्ज. पोस्टीरियरली मिड लाइन, एंटीरियरली मिड लाइन, बोथ पोस्टीरियरली एंड एंटीरियरली. पोस्टीरियरली मिड लाइन पे एट 6 o'clock पोजीशन पे 75% केसेस में हमें फिशर 6 o'clock पोजीशन पे दिखेगा. एंटीरियरली मिड लाइन, अपर मिड लाइन पे 25% केसेस में अपर मिड लाइन पे एट 12 o'clock पोजीशन पे. देखिए एनोरेक्टल वर्ज को जब भी हमने एग्जामिन करना है हमें एक क्लॉक को समझना है, घड़ी को समझना है. जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं ऊपर, तो सिमिलर लाइक ऊपर की सिचुएशन में हमारा फीचर डेवलप हो सकता है. 6 o'clock नीचे तो वो हमारी पोस्टीरियरली मिड लाइन है. 6 o'clock इज अ पोस्टीरियरली मिड लाइन. पोस्टीरियर मिड लाइन पे फीचर हो सकता है, anterior midline पे position fissure हो सकता है, both anterior and posterior midline पे 3% fissure जो है वो दिखाई देते हैं. अब atypical location of the multiples कैसे देखेंगे, कौन कौन सी ऐसी diseases हैं जिसमें हमें patient को fissure जो है वो दिख सकता है. That is a Crohn's disease. Crohn's disease में भी क्या रहता है, बार बार motion आना, intestinal obstructions रहेंगी. कोई trauma की history है उसमें भी problems हो सकते हैं. Tuberculosis में, syphilis में, AIDS में,
or anal carcinoma. These are the condition. Next, we have to come with the symptoms. सिम्टम्स हमें इसमें क्या क्या दिखेंगे, जब भी पेशेंट आपके पास ओपीडी में आएगा सबसे पहले एनल फीशर को एग्जामिन करने का तरीका यही है, पेशेंट कंप्लेंट ही पेन की करता है, दैट इज अ सीवियर पेन, एनल पेन रहेगा प्रेडोमिनेंट सिम्टम है इनका. ड्यूरिंग डेफिकेशन, क्लियर कट मेंशन किया है डेफिकेशन, पेशेंट कंप्लेंट करता है पॉटी करने के बाद डॉक्टर मुझे बहुत ज्यादा दर्द होता है वहां पे, तो इट शोज दैट देयर इज अ ड्यूरिंग डेफिकेशन में लास्ट ऑफ सेवरल मिनट टू आर फॉर एन एंटायर डे. पेशेंट की कंप्लेंट रहती है मोशन करने के बाद पेन बढ़ता है और वो पूरा दिन भर दर्द बना रहता है, या पॉटी करने के बाद दर्द होता है और विद इन वन आवर जो है वो धीरे धीरे सबसाइड हो जाता है. तो ये हमारा शो करेगा कि वहां पे फिशर की प्रॉब्लम जो है वो जनरेट हो रही है. नेक्स्ट इज लाइक नाइफ कटिंग. सिम्टम्स इसमें आता है पेशेंट को बहुत सीवियर पेन होता है, जैसे आपको मैंने शो किया है माई थंब जैसे कटिंग का निशान है, सिमिलर जब चाकू से हाथ कट जाता है पेन रहता है, सिमिलर लाइक दैट एनल वर्ज में कटिंग पेन होती है उसको. देखिए किसी भी सब्जेक्ट को अपने समझना है उसको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेके जब समझेंगे तो ये बहुत पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे. एनल, मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर रही हूँ इन अ वेरी इजी लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड द फिशर. या एनीबॉडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन? मैम फिशर में पाइल मास हो सकता है? यस सर, फिशर में यस यस डेफिनेटली. पेशेंट सफर कर रहा है बहुत सीवियर पेन से, ब्लीडिंग से, जब आप उसको एग्जामिन करते हैं उसका 6 o'clock पोजीशन पे फिशर है और इंटरनल पाइल्स भी हो सकते हैं उसको. इट्स अ वेरी कॉमन, कई बार होता है पेशेंट को क्रॉनिक पाइल्स की प्रॉब्लम है और लॉन्ग टर्म उसको पाइल्स की प्रॉब्लम है, अनट्रीटेड पाइल मास पड़ा है और पेशेंट रेगुलर डेफिकेट कर रहा है और प्रेशर दे रहा है, स्टेनिंग कर रहा है, तो उसको एक्यूट फिशर भी डेवलप हो जाता है. तो दीज आर द केसेस जो मैक्सिमम पेशेंट्स में आपको देखने को मिलेंगे जिनको पाइल्स और प्रॉब्लम साथ में होती है. तो आज पहले हम फिशर के बाद पाइल्स हो सकते हैं, फिर फर्स्ट स्टेज तो फिशर होता है ना शायद, कि पहले फिशर डेवलप होगा. फर्स्ट यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द फिशर, देन विल कम टू द पाइल, देन विल कम टू द फिस्टुला. श्योर ओके, देन आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. फर्स्ट वी कैन अंडरस्टैंड द एबीसी. ओके, नेक्स्ट पेशेंट की जो फर्स्ट कंप्लेंट रहेगी दैट इज अ कटिंग पेन, बहुत सीवियर पेन हो रहा है. नेक्स्ट जो प्रॉब्लम जो रहेगा सिम्टम दैट इज अ रेक्टल ब्लीडिंग. ब्लीडिंग जो है वो मिनिमल ब्लीडिंग होगी, रेड, ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग होगी पेशेंट को. जैसे वो अपने पोर्ट पे देखेगा तो पॉटी के बाद उसको रेड कलर की परफ्यूज ब्लीडिंग भी हो सकती है फ्रॉम द फिशर, और पेशेंट को इचिंग भी हो सकती है. पुराइराइटिस एनी, पुराइराइटिस एनी इज अ डिजीज जिसमें मेन सिम्टम्स आता है इचिंग का. पॉटी करने के बाद पेशेंट कंप्लेन करेगा उसको लेटरिन के रास्ते में इचिंग होती है, और यू कैन सी जब आप उसको एक्सपोज करके देखते हैं वहां पे आपको इन्फेक्शन भी दिख सकता है, देयर में भी फंगल इन्फेक्शन, देयर में भी स्किन इरप्शंस, रेड डिस्कलरेशन रहेगा और बहुत सीवियर इचिंग रहेगी, और जब एग्जामिन करते हैं तो इंटरनल फिशर है और बाहर उसको प्रोराइटिस एनी हो गया है. ये बहुत लॉन्ग टर्म तक, कुछ लोग कॉन्स्टिपेशन रहती है बहुत लॉन्ग टर्म तक एंटी लेक्सेटिव्स लेने के बाद भी कई पेशेंट्स को प्रोराइटिस एनी जो है वो प्रॉब्लम्स हो जाती है.